गुड इवनिंग अलफ यू गुड इवनिंग सभी लोग जुड़ जाइए आज हम लोग यू पी का पेपर सॉल्व करेंगे और ये हमारा पार्ट सिक्स रहेगा ठीक है यू पी, पी स्टाफ नर्स का ये पेपर है ठीक है हाँ यू पी स्टाफ नर्स का ये पेपर है और ये हमारा पार्ट सिक्स रहेगा ठीक है हाँ ये पार्ट हमारा छः पार्ट है पार्ट नंबर सिक्स है ओके चलिए अच्छा क्लास को स्टार्ट करते हैं इसके पहले के हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे ये स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में ई एच आर का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता था ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर था यहाँ तक के हमने प्रश्न सॉल्व कर लिए थे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ई एच आर का फुलफॉर्म इसके नीचे के क्वेश्चन आज से हम सॉल्व करेंगे चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं पहले आप इसे हिंदी में देख लेंगे और फिर इसके बाद इंग्लिश में इसे देखेंगे ठीक है मरते हुए व्यक्ति वे के पांच चरण का सही क्रम क्या है आपको बताना है इनमें से क्या हो सकता है देख लीजिए आप लोग हिंदी में देख लीजिए फिर इसके बाद आपको इंग्लिश दिखाएंगे उर्मिला सिका ठीक है चलिए भाई आ जाइएगा इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए इंग्लिश में गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइव स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन एक व्यक्ति है जो डाइंग कर रहा है ठीक है मरते हुए व्यक्ति वे का इसमें से आपको पांच ऑर्डर बताना है वेरी गुड लगभग लोगों के आंसर सही हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा डीनियल ये लिखा है डिनाइल एंगर एंड बार्गेनिंग डिप्रेशन असेप्टेंस। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर है डी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है इनकार क्रोध सौदा अवसाद स्वीकार ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा नेक्स्ट है भारत में संतुष्ट अधिकतम शोर स्तर क्या है इन इंडिया मैक्सिमम जो नॉइज लेवल होता है वो माना जाता है द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया पढ़िए 114 नंबर क्वेश्चन और आंसर बताइए एक सौ चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या माना जाएगा द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया एक सौ चौदह का आंसर पूजा, सिखा, कल्पना, सुनीता वेरी गुड दिव्या द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया भारत में अधिकतम शोर का जो स्तर होता है वो कितना माना जाता है प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा वो पचासी डेसिबल ये मैक्सिमम माना जाता है पचासी डेसिबल सोर का जो लेवल है भारत में वो पचासी डेसिबल मैक्सिमम माना जाता है और ये डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग है ठीक ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा पहली बार गर्भवती हुई महिला में 115 पढ़िए प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने अवधि का होता है कितने घंटे का होता है पहली बार जो गर्भवती होती है प्रीमी ग्रेविडा में ठीक है प्रसव का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो माना जाता है पढ़ लीजिए और आंसर बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर पढ़िए और आंसर बताइए पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने अवधि का होता है कितने अवधि का होता है पढ़िए एक सौ पंद्रह पढ़ लीजिए और आंसर बताइए हाँ पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितनी अवधि का होता है एक सौ पंद्रह नंबर पढ़िए क्वेश्चन और आंसर बताइए एक सौ पंद्रह का आंसर क्या माना जाएगा पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण लगभग कितने घंटे का होता है मोस्टली लोगों के आंसर सही आए हैं बारह घंटे का होता है बारह से चौदह घंटा या बारह घंटा ठीक है ये सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है सी इज द राइट आंसर पहली बार गर्भवती हुई महिला में प्रसव का प्रथम चरण 12 घंटे का होता है लगभग सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे इन प्रीमी ग्रेविडा मदर्स व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये 12 आवर्स होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा सी इज़ द राइट आंसर अब देखेंगे क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर एक नंबर विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स इनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा होगा जिसमें जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रॉपर हीलिंग करने के लिए इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा ठीक है टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है 116 सो पढ़ लीजिए और आंसर बताइए एक सौ सो सोलह का आंसर क्या माना जाएगा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा माना जाएगा एक सौ सो सोलह आपको पढ़ लेना है एक सौ सो सोलह का आंसर क्या माना जाएगा एक सौ सो सोलह का पढ़िए और आंसर बताइए टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा होगा हाँ सोनू शेफाली विजय प्रिया यादव पालक मिश्रा वेरी गुड बहुत बढ़िया इंग्लिश वर्जन ये दिया गया है बगल में देख लीजिए आप इंग्लिश में 116 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं ठीक है और इन लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है तो वो देख लेंगे इसमें इंग्लिश में देख लेंगे ठीक है सभी इंडियन इंग्लिश में ज़रूर देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक पढ़ लीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर एक सौ सोलह जटा सि प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी माना जाएगा क्या यह दिया गया ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा देखिए जो कोई भी हड्डी अगर फ्रैक्चर हो जाती इसको जोड़ने के लिए ठीक है सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि हड्डी को अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से जोड़ा जाए समझे प्रॉपर तरीके से और ये हड्डी हिले डुले नहीं समझे मतलब एम मोबाइल का मतलब होता है इसको एक जगह पर फिक्स कर देना समझे हिले डुले नहीं अगर ये हड्डी हिलेगी डुलेगी तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी समझे फिर ये अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाएगा इसलिए ये हड्डी हिले डुले नहीं तो इसको निश्चित क्रम में जहां पर जो हड्डी होती है उसी स्थान पर उसको अच्छी तरीके से निश्चित कर देना डिटरमाइंड कर देना या फिक्स्ड कर देना और हिले डुले नहीं ठीक है ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा हड्डी को जुड़ने के लिए इम मोबलाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऐसी हड्डी जो इधर उधर टस मस ना करे मतलब घूमे फिरे नहीं अपनी जगह पर फिक्स्ड हो जाए तो यह पहला कदम होगा निश्चलीकरण बोला जाता है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप इंग्लिश में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इम मोबलाइजेशन मोबालाइज का मतलब होता है घूमने वाली चीज इमोबलाइज का मतलब होता है जो फिक्स हो ऑलरेडी घूमे ना आप देखेंगे क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर एक सौ सत्रह विच वन इज द कॉमुनिस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस सबसे जो कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो जाता है उस बैक्टीरिया का नाम बताइए आरती विज्ञापन ओ okay, के कन्या अभी विज्ञापन दिया जाएगा सीमा ओके okay, सीमा पालक मिश्रा हाँ विच वन इज द मोस्ट विच वन इज द कामनेस्ट बैक्टीरिया कॉजेज गैस्ट्राइटिस आप देख लीजिए अपनी देवनागरी लिपि में गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला मुख्य जीवाणु कौन सा है 117 नंबर क्वेश्चन 117 का आंसर आपको बताना है गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला जो जीवाणु है बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का आपको नाम बताना है वो कौन सा बैक्टीरिया है सब बात वेरी गुड लगभग लोगों ने आंसर सही दिए हैं बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं बड़ा दिल खुश हो गया आज तुम लोग कमेंट देख के बहुत बढ़िया ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर है बी इज द राइट आंसर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या लिखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस पैदा करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा इसी को एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं किस नाम से एच पाइलोरी के नाम से इसे जाना जाता है हेल्कोबैक्टर पाइलोरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके और ये जैसे कि स्टमक में आपके घाव हो जाते हैं ठीक है थीके? छोटी आंत में आपके घाव हो जाते हैं गैस्ट्राइटिस हो जाता है उस फोग पाइप में घाव हो जाते हैं सोर्स बन जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार एक बैक्टीरिया है ठीक है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा हाँ चलिए अच्छा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एक सौ अठारह मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज हेल्दी एडल्ट एक जो हेल्दी एडल्ट है इसको कितना सोना चाहिए मतलब मिनिमम इसको कम से कम कितना सोना चाहिए मिनिमम पूछा जा रहा है मैक्सिमम नहीं पूछा जा रहा है अपना घर का रिकॉर्ड मत लिखिएगा ठीक है अपना अपना बताइए अपने हिसाब से जो भी आपको लगे पालक मिश्रा सर ऐसा ना बोला करे डर जाते हैं अच्छा हमारी तारीफों में भी आपको डर लगता है क्या मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एन एवरेज हेल्थ एडल्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बहुत से लोग डी आंसर मार रहे हैं बहुत से लोग सी मार रहे हैं इक्का दुक्का लोग हैं जो आंसर ए मार्ग कर रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड लगभग लोगों ने आंसर सही दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से बढ़िया दे रहे हैं कोई डी कर रहा है तो किसी को डी लग रहा है तो किसी को सी लग रहा है किसी को ए लग रहा है बहुत कम ऐसे प्राणी हैं ब्रह्मचार्य वाले लोग हैं ही नहीं तभी तो ये आंसर मार्क ही नहीं कर रहा है कोई ऑप्शन भी देखिए इस प्रश्न का जो पूरी तरीके से सही आंसर है हाँ इस प्रश्न का जो पूरी तरीके से सही आंसर है वही आंसर सही है जो आप लोग मार्क कर रहे हैं ऑप्शन डी क्या होगा सात घंटा या इससे ज़्यादा ये मिनिमम सात घंटे के आसपास माना जाएगा कितना घंटा सात घंटे ठीक है हाँ सात घंटा आंसर सही माना जाएगा इसका सात घंटा मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है सोने के लिए वो सात घंटा माना जाता है एक एडल्ट के लिए ये देखिए क्या होता है एज के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है ठीक है एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक दिन कितना सोना चाहिए लगभग सात घंटे या आठ घंटे के आसपास सोना चाहिए समझ में आ रही बात हाँ हाँ अच्छा अच्छा चलिए अच्छा ध्यान दीजिए रेनुमा कह रही है कि तुम लपेट देते हो सर जी हाँ तो ये आंसर माना जाएगा ऑप्शन डी कुछ थोड़ा सा डिटेल्स है इसे आप साथ में समझते हुए चलेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए हाँ थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे डिटेल्स में डिटेल्स में ये आपको बताया जा रहा है कि जैसे तीन से पाँच साल तक के जो बालक होते हैं इनको कितना सोना चाहिए जो तीन से पाँच साल तक के बालक होंगे ठीक है जो तीन से पाँच साल तक के बालक होंगे इनको दस से तेरह घंटे सोना चाहिए कितना दस से तेरह घंटे के आसपास सोना चाहिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जो तीन से पाँच साल तक के बालक होंगे कितने तीन से लेके पाँच वर्ष तक के बालक को दस से तेरह घंटे डेली सोना चाहिए ठीक है अब इसमें छोटी-बड़ी नींदें सभी इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा अगर 6 से 12 साल के बालक हैं 6 से 12 साल के बालक बालिकाएं इन्हें कितने घंटे सोना चाहिए तो इनको 9 से लेके 12 घंटे के आसपास सोना चाहिए कितने 9 से लेके 12 घंटे के आसपास इनको सोना चाहिए 6 से बारह साल तक के बालक जो होते हैं अब जो तेरह से अठारह साल के होते हैं तेरह से जो अठारह वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं इनको आठ से दस घंटे सोना चाहिए कितना सोना चाहिए आठ से दस घंटे डेली सोना चाहिए चौबीस घंटे में से ठीक है चौबीस घंटे में इतना सोना चाहिए और जो एडल्ट हैं ठीक है आपके जैसे जवान हो गए हैं शादी करने की उम्र हो गई है या जिन लोगों की शादी हो गई बच्चे हैं आप लोगों को कितना सोना चाहिए आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए ये सात घंटा होगा कितना होगा सात घंटा ठीक है मेरे लिए ऑप्शन जो दिया गया था मेरे लिए ऑप्शन ए और बी होगा क्योंकि मैं इतना सोता हूँ या तो मैं पाँच घंटे सोता हूँ या तो मैं चार घंटे ठीक है ए बी में से मैं सोता हूँ आप लोगों के लिए जो सोना है क्योंकि आप सभी लोग हेल्दी पर्सन है ठीक है आपके लिए आंसर सही माना जाएगा बहुत से लोगों ने अपने अपने रिकॉर्ड बताए हैं कि हम नौ घंटा सोते हैं सर जी तो हम अपना नौ घंटा आंसर मार करेंगे और कमीशन को नौ घंटा मारना चाहिए क्योंकि हम नौ घंटा सोते हैं कम से कम बहुत से लोग हैं अपनी मतलब भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाए नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पर बारह घंटे ऑप्शन दिया नहीं गया ठीक है हाँ इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएँ उन सभी व्यक्तियों के साथ हैं जिनके मुताबिक ऑप्शन नहीं दिए गए बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसा सोच रहे थे कि कमीशन यहाँ पर बारह घंटे देगा या दस घंटे लिखेगा तो हम कम से कम अपने विचार रख पाएंगे समझे हाँ बारह घंटे नहीं दिया गया है मुझे इस बात का बहुत दुख है मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग हैं सोच रहे थे कि अगर बारह घंटा एक ऑप्शन दे देते तो कम से कम हमारा भी सही हो जाता हाँ मुझे इस बात का बहुत दुख है बहुत सारे लोग हैं जो बारह बारह घंटे सोते हैं दस बारह घंटे तो कम से कम सोते हैं हाँ दस बारह घंटे तो सोते हैं सोते हैं मुझे बड़ा दुख है इस बात का ठीक है अगली बार से मैं कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के भी ऑप्शन दिए जाएं जैसे कि कुंभकर्ण और सूपनखा सोया करते थे हाँ चलिए अच्छा ध्यान दीजिए जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लास लेना चाहते हैं जी इंडिया में पढ़ना चाहते हैं सोने के बाद जो भी समय बचे जी इंडिया में दीजिए थोड़ा बहुत ठीक है हाँ इससे आपका कल्याण होगा जो भी स्टूडेंट स्टाफ नर्स की क्लासे लेना चाहते हैं जीएस इंडिया में पढ़ना चाहते हैं काफ़ी लंबे समय हाँ। से इंतज़ार में थे कि कोई ऐसा टीचर अवतरित हो या कोई ऐसा टीचर अवतार ले जिससे हमें पढ़ने में अच्छा लगे मन लगे और समझा पाए मुझे तो ठीक है समझ लो कि उसका अवतार हो चुका है आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तिरसठ जीरो सड़सठ बयासी नौ सौ अठारह सिक्स थ्री जीरो सिक्स सेवन एट टू नाइन वन एट इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे और अपना नाम जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे मतलब आप जो भी क्लासेज लेना चाहते हैं आप जरूर एक बार मेंशन करेंगे कि हाँ हम ये क्लासेज लेना चाहते हैं चलिए अच्छा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 119 सौ उन्नीस विच ऑफ़ बी फॉलोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मिनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इनमें से कौन सा पी जो पी पी हाँ पी पी ई है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकता है वो कौन सा है ये पढ़ लीजिए ड्रॉपलेट संक्रमण को रोकने में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण मतलब पी पी ई बोला जाता है इसको ठीक है सबसे ज़्यादा सहायक होगा चिंकी कह रही है कि जीएस इंडिया के स्टूडेंट नहीं सोते हैं सही कह रही होगी अगर चिंकी कह रही है तो हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया करिश्मा शर्मा सरा और आप मिल गए हो ना सबका उद्धार हो जाएगा अवश्य होगा कन्या अवश्य होगा अनिल सिंह ने लिखा है न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में सही बात है, है? देखो करवा चौथ का इतना असर पड़ा है कि ये पहले अलग तरह के मैसेज दिया करता था समझे अलग तरह के संदेश दिया करता था समझे अब देखो मोटिवेटेड कोट लिखने लगा है समझे इतना असर पड़ा है मैंने तो जो मोटिवेट किया है उसका तो असर पड़ता ही पड़ता है गुरु कृपा है ही है अनिल सिंह के ऊपर लेकिन अधिकांश जो हम इसमें कृपा समझेंगे करवा चौथ का बहुत बड़ा योगदान है समझे जो कि अनिल सिंह में बदलाव देखे गए हाँ ये पहले लक्षण है जो अनिल अनिल सिंह में नजर आ रहे हैं समझे ऐसे लक्षण अभी तक नज़र नहीं आए हाँ वो सारे हिडन साइन एंड सिम्टम्स थे ये पहला ऐसा लक्षण है जो दिख रहा है हाँ कुछ बदलाव नज़र आ रहा है समझे स्टेजेस चेंज हो रही हैं पढ़िए भाई ड्रॉपलेट संक्रमण को रोकने में कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण सबसे ज़्यादा सहायक होगा मास्क कोई व्यक्ति खांसेगा छींकेगा तो उसके लिए आपके पास मास्क होना चाहिए समझे क्या होना चाहिए मास्क होना चाहिए अगर तुम्हारे पास मास्क है तो तुम इस जंग से जीत सकते हो समझे हाँ दो गज दूरी दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी समझे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बीस प्रश्न का सही आंसर है अगर आप इस ज़माने में युद्ध जीतना चाहते हैं या इस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचाना चाहते हो तो आप हमेशा मास्क लेकर चलें ठीक है ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर है ठीक है बी इज द राइट आंसर एक जिम्मेदारी नागरिक बने मास्क लेके चले दो गज दूरी मास्क है जरूरी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर है ये पढ़िए एक बीस नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्वेश्चन वन ट्वेंटी पढ़ लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर एक सौ बीस अनिल सिंह गुरु कृपा मात्र से देखो अनिल सिंह में कितना परिवर्तन हुआ मैं तो काफ़ी योगदान करवा चौथ का भी मानता हूँ ठीक है बहुत योगदान मतलब बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है अनिल सिंह में पढ़िए 120 पढ़ लीजिए 120 सौ बीस मैनेजमेंट हैज़ फॉलोविंग फंक्शन एक्सेप्ट मैनेजमेंट में सभी फंक्शन होते हैं एक्सेप्ट एक, एक फंक्शन नहीं देखा जाता है आपको बताना है साइना दोस्त कह रही है सर अनिल भैया का ब्रेकअप हो गया है क्या <laughs> क्या बताया जाए अब ये मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता समझे हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में ये करवा चौथ के बाद इसमें बदलाव देखे गए हैं ऐसा समझे हाँ करवा चौथ के दिन तक तो इसने अलग तरह के कमेंट दिए थे ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये थर्ड स्टेज के लक्षण हैं इसके अंदर ये हाँ पहले स्टेज तो ये अलग था इसके अंदर दूसरा स्टेज भी अलग था ये तीसरे स्टेज के लक्षण हैं जो लिख रहा है इस समय पर हाँ क्योंकि ये सीवियर सिम्टम्स हैं सीवियर सिम्टम्स अर्च अंचल शर्मा सर हमने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप आज ही ज्वाइन किया है आप इसे स्वीकार करें मैंने आपको स्वीकार कर लिया आई एक्सेप्टेड यू मोस्ट वेलकम इन जीएस इंडिया मैनेजमेंट में सभी फंक्शन होते हैं एक नहीं होता है ठीक है ऑप्शन ए प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी भी सही है ऑप्शन सी भी सही है ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शन होते हैं डिकटेकिंग नहीं होता है ठीक है ये जो दिया गया सी वाला ये आंसर गलत है यही आंसर सही माना जाएगा सी इज द राइट आंसर समझ में आ रही बात हाँ सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा समझ में आ रही बात is the right answer. पर आप हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चन को प्रबंधन में निम्न सभी कार्य किए जाते प्रबंधन में प्लानिंग किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कंट्रोलिंग किया जाता है सॉरी <coughs> और एक होता है लीडिंग एक क्या होता है लीडिंग होता है इसमें ठीक हाँ लीडिंग होता है लेकिन यहाँ पर डिडेक्टिंग जो दिया गया है ये नहीं होता समझे हाँ ये नहीं होता है इसमें ये नहीं होता जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ऑप्शन सी प्रबंधन में ये चीज़ शामिल नहीं होती प्रबंधन में शामिल क्या क्या होता है तो आपको बता दें इसमें शामिल होता है प्लानिंग क्या शामिल होता है हाँ प्लानिंग शामिल होता है ऑर्गेनाइजिंग शामिल होता है इसमें ठीक है कंट्रोलिंग जो कॉर्डिनेशन लिखा है ना इसको आप कंट्रोलिंग से संबंधित करें कंट्रोलिंग होता है और लीडिंग होता है ये प्रबंधन में शामिल होते हैं ये प्रबंधन के कार्य होते हैं ठीक है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग लीडिंग ये होते हैं जहाँ पर जो डिक्टेटिंग दिया गया है ये नहीं होता है ठीक है हाँ डिक्टेटिंग नहीं होता इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा अब देखेंगे आप ये क्वेश्चन किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है बताइए भाई क्या होगा प्रश्न का सही आंसर पढ़ लीजिए अर्चना यादव सर आज क्लास जल्दी करा दीजिए अच्छा क्यों निमंत्रण में हो क्या आज कहीं जाना है एक से इक्कीस पढ़ लीजिए और आंसर बताइए देखिए आज क्लास लंबी चलने वाली है भाई हाँ आज क्लास लंबी चलने वाली है पढ़िए इक्कीस पढ़ लीजिए और आंसर बताइए ऐसा प्रियंका रेणु अर्चना बेबे पिंकी वर्दिका हाँ यहाँ पर किस दवा के सेवन से पेशाब का रंग लाल हो जाता है लगभग सारे स्टूडेंट जी इंडिया में बहुत ही अच्छे हैं समझे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत शांति के साथ क्लास में पढ़ते हैं हाँ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं सभी प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो रिफेम्फिसिन होगा ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर है बी इज द राइट आंसर बीच ड्रग्स में प्रोड्यूस रेड कलर यूरिन आफ्टर इट्स कंजम्पशन इसमें रेड कलर यूरिन देखा है अगर कोई आदमी ये दवा खा लेता है तो उसका जो मूत्र होता है ना मूत्र विसर्जित कैसा होता है रेड कलर का होता है समझे हाँ लाल कलर का होता है थूक वगैरह जो म्यूकस वगैरह होता है ये भी रेड कलर का होता है ये अगर दवा खा लेता है कौन सी रिफेम्फसिन खाता है ऑप्शन बीस प्रश्न का सही आंसर है आप बताएंगे हमें सभी लोग कमेंट बॉक्स में हाँ आप ये बताएंगे जो रिफेम्फसिन मेडिसन होती है इससे किस बीमारी का इलाज किया जाता है जो रिफेम्फसिन मेडिसन होती है चाहे सरोज हाँ किस बीमारी का इलाज करते हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया है ठीक है अब देखेंगे आप ये क्वेश्चन दिया गया है एक सौ बाईस पढ़ लीजिए निम्न में से किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के मार्जिन किनारे पर जुड़ा रहता है एक सौ बाईस लिखा है क्वेश्चन एक सौ बाईस पढ़िए और आंसर बताइए एक सौ बाईस का आंसर क्या माना जाएगा हाँ एक सौ बाईस पढ़ लीजिए रीता पलक सुमन बहुत बढ़िया सुनीता तिवारी तबशुम खातून अर्चना सिंह देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा एक सौ बाईस का निम्न में से किस स्थिति में गर्भनाल प्लेसेंटा के मार्जिन मतलब होता है किनारा से जुड़ा होता है इंग्लिश दिखाया जाए अच्छा शीघ्र ही आपको इंग्लिश वर्जन दिखाया जाएगा ठीक है देखिए आप इन विच ऑफी फॉलोविंग कंडीशन कॉर्ड रिमेंस अटैच टू मार्जिन ऑफ प्लेटा हाँ वन टू टू पढ़िए एक सौ बाईस नंबर क्वेश्चन इंग्लिश आपके सामने है देख लीजिए आप इंग्लिश में सपना अर्चना विच इन विच ऑबी फॉलोविंग कंडीशन इनमें से कौन सी कंडीशन किस कंडीशन में जो क्वार होता, होता है ना बेरगल कॉर्ड होता है रिमेंस अटैच टू द मार्जिनल ऑफ द प्लेसेंटा प्लेसेंटा के किनारे से लगा होता है प्रश्न का जो सही आंसर होगा लोगों ने अपने अपने हिसाब से आंसर बताए किसी ने सी आंसर बताया तो किसी ने ए किसी ने बी किसी ने डी डी शायद किसी ने नहीं बताया क्योंकि सभी स्टूडेंट जी इंडिया के बहुत पॉजिटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचने की वजह से किसी ने आंसर डी नहीं बताया जो कि एक अच्छी बात है हमेशा पॉजिटिव आंसर दो प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा पूरी तरीके से भरपूर तरीके से जो आंसर सही है वो ऑप्शन ए, ए ही है क्या है बैटल डोर प्लेसेंटा कौन सा प्लेसेंटा बैटल डोर प्लेसेंटा इसी को मार्जिन हाँ ऑफ प्लेटा के नाम से जाना जाता है बैटल डोर जो प्लेसेंटा होता है ना इसी को हाँ मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बैटल डोर प्लेसेंटा कहा जाता है ए प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर है एक सौ तेईस का मुख्य कार्य कौन सा है कौन बताएगा इसके बारे में क्वेश्चन लिखा है वन टू थ्री एक सौ तेईस पढ़ लीजिए और आंसर बताइए बबली जयमाला भानमती शुक्ला सभी लोग पढ़ते रहे राधिका वगैरह ठीक है सभी लोग पढ़ते रहे आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं ठीक है शांति के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं हाँ ये 2017 में मेन में भी आया था क्वेश्चन हम्म हाँ जरूर बालक क्यों नहीं मैरी खान हाँ आप पढ़िए पृष्ठा ग्लैंडिन का मुख्य कार्य कौन सा है देखिए क्वेश्चन परीक्षा में रिपीटेड हो रहे हैं समझे रिपीट होते हैं इसलिए पेपर आपको इतमान के साथ अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए इसलिए आपको पेपर ये अच्छी तरीके से सॉल्व कराया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं समझे परीक्षा में आ जाते हैं दोबारा दोबारा तिबारा तिबारा पूछे जाते हैं हाँ रुद्रांश मिश्रा समझ में आ रहे हैं मिश्रा जी हाँ हाँ पढ़ लीजिए आज सब उल्टा पुल्टा आंसर हो रहा है गुरु जी क्यों एक तारीख को क्या बीच में पानी पी लिया था क्या है पूरा पूरा तुम्हें लगता नहीं रखा गया तुम्हारे लिए क्यों अनिल आंसर उल्टा सीधा कैसे हो सकता है बताओ हमें लग रहा है कि बीच में व्रत तोड़ा गया है ऐसा होता नहीं जल्दी समझे हाँ ये उसी का प्रकोप है विच वन इज़ द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन एक्शन क्या है एक पढ़ लीजिए और आंसर बताइए देखिए भाई जो भी लोग व्रत वगैरह रहे इस तरह की जो भी रस्में अदा करें ठीक है तो उनको पूरी तरीके से कंप्लीट करें परिपूर्ण करें ठीक है इससे बड़ा नुकसान होता है पुरुषों का समझे देख रहे हैं क्या हालत बना ली है उसने हु? उल्टा पुल्टा सब जा रहा है मामला तो जो भी आप लोगों से तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्रत रहें कभी भी किसी भी तरह का कोई भी व्रत रहें जिसमें पुरुष का कोई लाभ शामिल है तो आप पूरा पूरा व्रत रहें ठीक है बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं देखिए किस तरह का बालक हो गया ये विच वन इज द मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रश्न का सही आंसर है हाँ एक्सीन ऑफ द यूट्राइन कंट्रेक्शन ये प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा क्या होता है यूट्राइन कंट्रक्शन इंक्रीज हो जाते हैं जल्दी जल्दी होते हैं समझे हाँ यूट्राइन कंट्रक्शन क्या होते हैं जल्दी जल्दी होते हैं हाँ पोस्टाग्लैंड में क्या होता है जो इसका मेन एक्शन होता है जो यूट्राइन कंट्रक्शन होते हैं ना ये जल्दी जल्दी होते हैं रैपिड होते हैं एक्सीट होते हैं समझे एक्सीलरेशन ऑफ द यूट्राइन कंट्रक्शन ए प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा देखिए कहीं किसी को जाना है नहीं रात्रि में क्लास इसलिए ली जाती है ताकि आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ ठीक है क्योंकि प्रश्न आ, आ, रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं दोबारा तिबारा पूछे जा रहे हैं इसलिए आप लोग शांति के साथ देखो कम क्वेश्चन पढ़ो लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ लो बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े पता चला कि कित मार रहे हैं है कि नहीं जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटें कंप्यूटर में क्या होता है जिप फाइल होती है इसका काम क्या होता है मोना वेर माया चौधरी पढ़ लीजिए और आंसर बताइए चहत चाहत खान करे सर जी देखिए डी से कोई लेना देना ही नहीं है पर लोग डी आंसर दे रहे हैं मैं क्या बताऊँ इन लोगों की भावनाओं को <स्थाथ> समझे हाँ पता नहीं ये कब लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इनकी भावनाएं इनके कंट्रोल में रहती नहीं रहती समझे हाँ इनसे बोल दो कि तुक्का मारो तो ये तुक्का इतना बुरा बुरा मार देते हैं समझे इनसे जैसे पूछ लिया जाए कि बता बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है समझे तो इनको ऑप्शन में अगर एक लखनऊ दे दो बाकी एक लखनऊ दे दो दूसरा दिल्ली दे दो तीसरे ऑप्शन में अमेरिका लिख दो या ऑस्ट्रेलिया लिख दो तो ये लोग ऐसा तुक्का मारते क्या तुक्के मार रहे तो मार दो कोई भी कोई ऑस्ट्रेलिया बताता तो कोई अमेरिका बताता कोई वाशिंगटन डी सी बताता इनको अगर इस तरह के ऑप्शन भी मिल जाए ना तो ऐसे ऐसे मार करते समझे इंडिया से तो कोई मतलब ही नहीं होता कभी कभी करते लेकिन हमेशा नहीं करते ये लोग समझे हाँ और देखा जाए तो एक तारीख़ के बाद लगभग सभी लड़के लड़कियों में सभी में परिवर्तन देखा गया है कि लोगों के आंसर सही जा रहे हैं लोग जो तुक्का भी मार रहे हैं एकदम तो अपनी अपनी जगह पे सब दुरुस्त हैं और सही मार रहे हैं समझे जैसा मारना चाहिए उसी तरीके से मार रहे हैं परिवर्तन देखा गया है करवा चौथ के बाद काफ़ी परिवर्तन और डाटा में काफ़ी सुधार आया है कंप्यूटर की जिप फाइल में क्या होता है विशाल जो डाटा होता है कम जगह में दबाकर इसे कंप्रेस्ड करके रखा जाता है डी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक है डी हाँ डी माना जाएगा जिप फाइल होती है कंप्यूटर में क्या होती है नीलम जिप फाइल होती है जिप फाइल कंप्यूटर में तो इसमें क्या होता है जैसे बहुत बड़ा डाटा हो जाता है बड़ा मतलब ला, लार्ज डाटा होता है उसको क्या कंप्रेस कि कि किया जाता है कंप्रेस का मतलब होता है छुटका कर दिया छोटा कर दिया जाता है समझे हाँ उसको छोटा करके एक जगह स्टोर किया जाता है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ये जीप फाइल होती है चलिए अभी पढ़ाएंगे क्वेश्चन जाएगा नहीं कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं ठीक है पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट जाग रहे हैं इससे पता चल रहा है कि आप लोग अपने जॉब और नौकरी के प्रति काफ़ी समर्पित हैं ठीक है थीके? हमारा आशीर्वाद है आप सभी के साथ और ज़रूर आपको जॉब मिलेगी जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब तो समय कम बचा है क्या करें और अकेले पढ़ भी नहीं पा रहे हमारा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन ठीक है अगर आप इस तरह के आपके अंदर विचार आ रहे हैं तो आप इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे अपनी सीट कन्फर्म करें जी एस इंडिया में संपर्क करें अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करें हमारे पढ़ाने पर आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा डिप्रेशन में आप कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि हमें हम हमेशा आपको डिप्रेशन से बाहर रखते हैं ठीक है पढ़ाते समय भी पढ़ाने के बाद भी ठीक है जब भी आप उस सिलेबस का रिविजन करेंगे ठीक है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी और मुझे आ नहीं रही समझ में नहीं आ रही पढ़ने में तभी मन नहीं लगता जब कोई चीज़ें आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है समझे हाँ पढ़ने में तभी मन नहीं लगता अगर आप जी इंडिया में क्लास लेते हैं पढ़ते हैं ठीक है थीके? तो समझ लीजिए कि आपकी दसों उंगली घी में है समझे हाँ आपकी जो दस उंगली होती है समझो कि घी में है तुमको चौतरफा फ़ायदा मिलता है आशीर्वाद तो हमारा रहता ही रहता है बालाजी की कृपा होती है और पढ़ने पर आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होता याद करने की बाद में आपको कुछ खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास में ही सारी चीज़ें याद करा दी जाती हैं आपको समझे पी डी नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश में दिए जाते हैं जो कि अन्य जगह पर दोनों लैंग्वेज में नहीं दिया जाता हम दोनों लैंग्वेज में देते हैं ठीक है थ्योरी क्लासेज एम प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन सब कुछ आपको दिया जाता है आप देखेंगे आप क्वेश्चन इक्कीस ये वाई सॉरी वन ट्वेंटी फाइव एक सौ पच्चीस देख लीजिए क्वेश्चन एक सौ पच्चीस हाँ इन इंडिया डेथ शुड भी रजिस्टर विथ इन हाउ मेनी डेज आफ्टर बर्थ ए सॉरी आफ्टर डेथ कोई व्यक्ति मर जाता है मरने के बाद भारत में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए कि हाँ डेथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कितने दिन के अंदर हाँ सोनपाल मैं तो छिंगा हूँ मेरी तो ग्यारह उंगली घी में सब बास ये भी बहुत प्रतिभावान बच्चा है, है समझे हाँ थोड़ा शरारती हो रहा है <laughs> कहता है, मैं तो छिंगा हूँ मेरी छः उंगलियाँ हैं और मेरी ग्यारह उंगली घी में रहती हैं सब बात वेरी गुड देखिए ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं जी इंडिया में यहाँ दस बोला जाए अपवाद तैयार कर देते कहते मेरा सर जी ग्यारह उंगलियाँ हैं अभी कोई बारह उंगली वाला आ जाएगा ठीक है जिसमें कि ये अपने आप में खुद एक विष्णु भगवान का अवतार होता है समझे हाँ ये खुद उनके द्वारा ब्लेस किया जाता है कि आपको पांच नहीं छः उंगलियाँ दी जाएंगी ठीक है ऐसा छः उंगलियों के कई काम होते हैं जैसे वोट डालना हुआ आप एक से तो ज़्यादा वोट डाल सकते हैं ठीक है कभी आपको फिंगर एक उंगली काम नहीं करी पांच फेल हो जाती छठवीं जरूर पास हो जाएगी तो देखिए डेट रजिस्ट्रेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन इक्कीस दिन के अंदर करवाना अनिवार्य होता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा समझे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा अनिल शर्मा भारत में मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है इक्कीस दिन के अंदर करवाना आवश्यक होता है और ये बात पूरी तरीके से सही है मैं इसका समर्थन करता हूँ एक पढ़ लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है 126 में। ये एक में आंसर किसी का गलत नहीं जाएगा सीमा गौरी नहीं, नहीं 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 आप सभी प्रतिभावान स्टूडेंट हैं ठीक है थीके? अपने आप को कोई भी कमजोर ना समझे गौरी चौधरी मीनल मीनल कटियार सर आप बातें बहुत मीठी मीठी करते हैं सब मस्त रहते हैं आपकी बातों में नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है देखिए क्वेश्चन ही कुछ ऐसे आ जाते हैं और स्टूडेंट बहुत पढ़ाई कर रहे हैं होशियार स्टूडेंट हो रहे हैं ठीक है ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि ये लोग सही तरीके से बता पाते हैं कि जो स्वास्थ्य दिवस है कब मनाया जा रहा है ये इनकी मेहनत का नतीजा है ठीक है हाँ इसमें तो हम केवल इनको गाइड कर रहे हैं और मोटिवेशन थोड़ा बहुत दे देते हैं ठीक है जहाँ पर मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा डिस्करेज फील कर रहे हैं तो इनको इनकरेज किया जाता है यहाँ पर और इनकी ये मेहनत का नतीजा है जो स्टूडेंट ये बता पा रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है समझे हाँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सुनीता पांडे हाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस लगभग सभी का आंसर सही गया है समझे सभी का आंसर सही जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें सात अप्रैल को मनाया जाता है पिछले साल भी मनाया गया इस साल भी मनाया जाएगा बहुत बढ़िया ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर सात अप्रैल को ही मनाया जाता है लगभग लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप देखेंगे एक वयस्क व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का क्या शेड्यूल होता है जो हेपेटाइटिस बी टीकाकरण होता है इसका शेड्यूल क्या होता है वन टू सेवन पढ़िए क्वेश्चन वन टू सेवन पढ़ लीजिए और आंसर बताइए पूजा कह रही है अर्थ आर्थक का झटका नहीं सह पाया अनिल भैया सही कह रही है पढ़िए ये लिखा है वयस्क व्यक्ति में हेपेटाइटिस बी टीकाकरण का क्या शेड्यूल है एक एडल्ट आदमी है ठीक है उसमें जो टीकाकरण का कर शेड्यूल होता है हेपेटाइटिस बी का वो कैसा होता है इनमें से बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा देखिए इतने सारे स्टूडेंट ढेर भर हैं ठीक है लाइक बहुत कम किए हैं आप लोग चैनल्स को लाइक करके जाया करें सब्सक्राइब करके जाया करें ठीक है और जीएस इंडिया के द्वारा जो पढ़ाए गए क्वेश्चन होते हैं एग्जाम्स में भगवान कसम कह रहे हैं बहुत पूछे जाते हैं आज कौन सा दिन है सैटरडे सनी दे भगवान की कसम कह रहा हूँ बहुत पूछे जाते हैं जीएस इंडिया के क्वेश्चन आप पेपर सॉल्व करेंगे या अन्य कोई पेपर किसी भी राज्य का उठाओ कोई भी पेपर एन एच एम से लगा के छोटा बड़ा कोई भी आपको लगेगा कि हाँ यार ए, मास्टर सही बोल रहा है समझे हाँ और मैं ये बात एकदम पूरी तरीके से सत्य कह रहा हूँ समझे शनिवार के दिन बिल्कुल भी झूठ तो बोलता ही नहीं मैं बहरहाल और शनिवार है ठीक है शनिदेव भगवान का दिन है तो आंसर जो होगा इस प्रश्न का लगभग लोग सही बता रहे हैं अपने हिसाब से जीरो एक छः मंथ ठीक है ये शेड्यूल होता है हाँ जीरो एक महीना छः महीना हाँ ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर है समझे हाँ डी इज़ द राइट आंसर एक सौ सत्ताईस एक सौ सत्ताईस वाला आंसर सही माना जाएगा इसका ये सॉरी एक सौ का डी वाला आंसर हाँ जीरो एक महीना छः महीना ठीक है ये आंसर अब देखेंगे आप क्वेश्चन आपको दिखा दिया जाए एक सौ नंबर हाँ ये पढ़ लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर एक सौ पढ़ लीजिए अभी कथन ए वह कारण आर पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का मिलान करें अभी कथन ए दिया गया प्रावैग्निक किरणों को जल शोधन के रूप में उपयोग हतोत्साहित किया जाता है कारण दिया गया इसका अवशिष्ट प्रभाव नहीं रहता अब इंग्लिश में आप देखिए जितना समझना था आप हिंदी में समझ चुके हैं अभी इंग्लिश में आप पढ़िए इस क्वेश्चन को ठीक है बाकी की बची बातें हम आपको बता देंगे इसमें एक पढ़ लीजिए भाई नीलम देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा प्रश्न का जो सही आंसर माना जाएगा वो ऑप्शन बोथ माना जाएगा ये डी वाला ए भी सही है आर भी सही है और ए आर का सही एक्सप्लेनेशन करता है चलिए हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कंसीडर असरसन एंड रीजन ए एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फॉर कोड गिवन बिलो यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एज वाटर प्यूरीफायर इज डिस्करेज देखिए यूवी रेज होती है इनको पानी को शुद्ध करने के लिए ठीक है पानी में जो माइक्रोब्स होते हैं इनको खत्म करने के लिए हम लोग यूवी रेज़ का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं यूवी रेज का इस्तेमाल करते हैं ठीक है परावैग्निकरण इस्तेमाल करते हैं है? है, पानी के शुद्धिकरण के लिए बात सही है एसर्सन सही है इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट इसमें कोई भी अवशिष्ट नहीं बचता कोई भी इसका मलवा वगैरह नहीं बचता समझे कोई भी अवशिष्ट या अवशिष्ट रेजिडुअल नहीं बचता रेजिड कोई भी अंश इसका पार्ट नहीं बचता क्योंकि यहाँ पर किरणें डाली जाती हैं कोई भी ऐसा अंश टैबलेट वगैरह नहीं डाली जाती कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली जाती जिसकी चीजें बच जाए यहाँ पर रेज डाली जाती है किरण अपने आप में एक प्रकाश होता है तो इसलिए इसका कोई रेजिडुअल नहीं बचता इसलिए जो एसर्सन दिया गया है और रीजन दिया गया है आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और सही है ठीक है हाँ ए आर की अच्छी तरीके से व्याख्या कर रहा है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ममता जी ठीक है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ठीक अब देखेंगे क्वेश्चन ये एक सौ उन्तीस इन विच ऑफ डी फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ एबडोमिन पीयर्स पैचेज आर फाउंड ये एक ऑर्गन दिया गया जैसे ऑर्गन ऑफ एबडोमिन एबडोम के किस ऑर्गन में पीयर्स पैचेज पाए जाते हैं कौन बताएगा इस प्रश्न का सही आंसर जेपी ऐसा ऐसा खान नच्छी पुष्पा अंशु वेरी गुड बहुत बढ़िया ममता देवी चाहत खान हाँ बताती रहो इनको सिस्टर को कुमारी बंदना कुमारी बंदना बंधन सिस्टर को बताती रहो कि थोड़े दिन पढ़ाई करो ठीक है हाँ गुरु कृपा होगी गुरु कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा ठीक है बिल्कुल भी आप विचलित ना हो प्रियंका मिश्रा तुम्हें प्रियंका कहाँ जाना रहता है मीटिंग रहती है क्या तुम्हारी <laughs> मधु मधुअस्मिता सर उड़ीसा में एग्जाम तीन दिसंबर में है ठीक है आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट कर दिया जाएगा अनिल सिंह कह रहा किसी को चाहना अच्छा एहसास है लेकिन कोई अगर आपको चाहे तो ये अनमोल है कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है मरममी बातें लिख रहा है समझे हाँ हृदय इस परसी बातें लिख रहा है इतना ज्ञान कहाँ से ला रहा है ऐसा ज्ञान तभी बालक देते हैं जब उनका विच्छेदन होता है चलिए पियर्स पैचेज देखे जाते हैं पाए जाते हैं छोटी आँख में पाए जाते हैं एलियम पार्ट में ये लास्ट पार्ट होता है छोटी आँख का छोटी आँत में पाए जाते हैं पियर्स पैचेज ठीक है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा पीयर्स जो पैचेज देखे जाते हैं ये छोटी आंत में देखे जाते हैं कहाँ देखे जाते हैं छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है सी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा एलियम एक पार्ट है छोटी आंत का ये लास्ट पार्ट होता है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इस सीन पियर्स पैचेज ओके हाँ अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में की लॉगर से क्या तात्पर्य है कंप्यूटर में की लॉगर होता है इसका तात्पर्य क्या है बताइए अर्चना यादव हाँ पढ़ लीजिए और आंसर बताइए चिंकी सिंह सर यूपी में काबा मतलब कब बा क्या कब है क्या पूछना चाहती हो यूपी में काबा यूपी में सब बा हाँ यूपी में काबा यूपी में सब बा पढ़िए 130 का कंप्यूटर की की लॉगर से क्या तात्पर्य है वट डू यू मीन बाई की लॉगर इन कंप्यूटर कंप्यूटर में की लॉगर से क्या तात्पर्य आप क्या बताएंगे यहाँ पर आंसर जो भी आपको लगे कि हाँ ए आंसर सही है आपको लग रहा है बी सही है बी पूरी तरीके से सही आंसर है तो आप भी बताएंगे नहीं लग रहा है आपको तो डी बताएंगे, ठीक है हाँ ज़रूर आप बताएंगे, इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं कंप्यूटर में और ज़रूर सॉल्व किया करो थोड़ा बहुत पढ़ा करो आदत डालो जी चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कंप्यूटर देखा करो दूर से कम से कम ठीक है आपको पता चलेगा कि उसमें एक मॉनिटर होता है कीबोर्ड होता है सीपीयू होता है ठीक है कई सारी चीज़ें जहाँ से आप सीखेंगे समझे हाँ वट डू यू मीन बाय द की लॉगर इन कंप्यूटर कंप्यूटर में की लॉगर का जो तात्पर्य है वो क्या तात्पर्य है प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा अ मोनिटरिंग सॉफ्टवेयर फॉर रिकॉर्डिंग द रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड द की स्टॉक बीस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा क्या माना जाएगा बी यहाँ पर देखेंगे एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो वास्तविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को की स्ट्रोक की सहित रिकॉर्ड करता है ये वाला आंसर सही माना जाना चाहिए बी वाला ये सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति का विवरण रखता है कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति का भी विवरण नहीं रखता अगर कोई पासवर्ड वगैरह आप डालते हैं अगर आप कोई पासवर्ड डालते हैं ए पासवर्ड डालते हैं किसी को पेमेंट करते हैं या कोई ओटीपी वगैरह डालते हैं या कोई अन्य पासवर्ड ई पासवर्ड चेंज करते हैं या अदर कोई पासवर्ड फेसबुक व्हाट्सअप या अन्य कोई पासवर्ड आप चेंज करते हो तो ये सारा जाके सेव होने लगता है की लॉगर में ठीक है तो यहाँ पर दिया गया एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर की लॉगर क्या है एक मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है जो वास्तविक समय के साथ कंप्यूटर में होने वाली गतिविधियों को की स्ट्रॉक सहित रिकॉर्ड करता है की स्ट्रॉक सहित मतलब क्या क्या है? की वहाँ पर मैंशन किया गया है तो ऑप्शन बी प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चलिए ध्यान दीजिए जो भी स्टूडेंट जीएस इंडिया में क्लासे लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं ठीक है हाँ तो वो स्टूडेंट इस नंबर पर संपर्क करेंगे जो भी स्टूडेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं पिछली बार भी तैयारी किया था लेकिन फेल हो गए थे किसी कारणवश बहुत से लोगों की उसी महीने शादी लगी थी समझे इस वजह से फेल हो गए थे और बहुत से लोगों का इसी वजह से तलाक भी हो गया समझे कई तरह की समस्याएं लोगों ने झेली समझे तो वो स्टूडेंट इस, इस नंबर पर संपर्क करेंगे सभी समस्याओं का इलाज है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे कॉल करते ही चमत्कार देखेंगे ठीक है असर तुरंत शुरू हो जाएगा जी इंडिया पर कॉल करेंगे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पेड क्लासे लेना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं यू पी के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं बहुत लंबे समय लंबा टाइम हो गया है बहुत लंबा समय हो गया है पढ़ाई वगैरह छोड़े उन लोगों को ठीक है उम्र काफ़ी करीब आ गई है ठीक है तीर्थ यात्रा का समय हो गया लेकिन घर का फैमिली का कुछ दबाव ऐसा है दिल में ऐसी उमंग या तमन्ना है मुराद है उनके दिल में कि नहीं हमें सरकारी नौकरी करनी चाहिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे कॉल करते ही चमत्कार देखेंगे तिरसठ जीरो सड़सठ बयासी नौ सौ अठारह ओके हाँ इस नंबर पर आप संपर्क करेंगे अपना नाम और जिले का नाम लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे हाँ इस नंबर पर आप संपर्क करना है सी की क्लास लेना चाहते हैं के की एम्स की पी की ए की उड़ीसा ए पंजाब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी बिहार ए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान कहाँ कहीं से भी यहाँ पर ठीक है अब देखिएगा बाकी के क्वेश्चन हम कल पढ़ाएंगे आपको ठीक है यहां पर एक क्वेश्चन है इकतीस नंबर द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्जाइमर डिसीज मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है अल्जाइमर डिसीज का कौन बताएगा इसके बारे में ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया है यही क्वेश्चन एनएचएम में पूछा गया है यही क्वेश्चन यू में क्वेश्चन पूछा गया है एक नंबर क्वेश्चन कई सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है अमिता मिश्रा हाँ ये एक सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है हम यही क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको फिर इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे ठीक हाँ ये ये तो हम कल यहीं से शुरुआत करेंगे ठीक हाँ वेरी गुड बहुत बेहतरीन लोगों ने आंसर दिए है राम जी ठीक है अर्ली एंड रिसेंट मेमोरी दोनों लास्ट हो जाती हैं दोनों लॉस हो जाती हैं दोनों फॉर्मेट हो जाती हैं ठीक है ऑप्शन सी सही आंसर है कल से हम आपको पढ़ाएंगे बाकी क्वेश्चन कल सॉल्व कराए जाएंगे आपको ठीक है हाँ दरबार को यहीं से बढ़ाया जाता है ख़त्म नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि बोला जाता है कि ख़त्म करना नहीं कहा जाता है आए हाँ कहते हैं ऐसे भगवान बुरा मान जाता है हाँ तो मैं इन शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे भगवान को भी बुरा लगे क्योंकि भगवान बहुत सेंसिटिव होता है ठीक है वो भी बुरा मान जाता है समझे इसलिए कहा जाता है कि कभी ये ना कहो कि क्लास खत्म हो रही क्लास बढ़ाई जा रही है समझे जैसे कोई दुकान होती है लोग कहते भाई दुकान बंद करो समझे तो दुकान कहते बंद करना नहीं बोला जाता दुकान बढ़ाना बोला जाता है जैसे दिया जल रहा है लालटेन जल रहा है उसे ये मत कहो कि बुझा दो बंद कर दो उसे कहो कि बढ़ा दो ऐसा कहा जाता है इंडियन कल्चर्स में ऐसा माना जाता है समझे कहते हैं अगर ऐसा आप करते हैं या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो कहते भगवान खुश रहता है क्योंकि भगवान भी बहुत सेंसिटिव है समझे बहुत ही सेंसिटिव होता है बुरा मान जाता है समझे इसलिए क्लास आपकी ओवर की जा रही है आज और दरबार अपने कल निर्धारित समय पर चालू होगा ठीक है हाँ दरबार कल अपनी निर्धारित समय पर रहेगा और एक बात आपको बता दें जो भी स्टूडेंट नए हैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं ठीक है आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके जाएंगे यहाँ से आपकी अर्जी लग जाती है ठीक है जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे परीक्षाओं में ठीक है जी इंडिया के खूब सारे प्रश्न आते हैं खूब भर भर के पूछे जाते हैं ठीक हाँ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आप अगर जी इंडिया में डेली पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता आप हंड्रेड सफलता अर्जित करेंगे ठीक आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे ठीक है जाइएगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे आपसे ओके बाय टेक केयर्स बाय जय हिंद आप अर्जी के तौर पे अर्जी लगाने आते बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग लाइक करके जाया करें सब्सक्राइब करके जाया करें ठीक है इससे आपकी अर्जी स्वीकार की जाती है और हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा सा रहता है ओके बाय टेक केयर्स बाय जय हिंद सी यू संजू दीपा ऐशा जिता सिमा अके स्वरा हाँ ओके बाय टेक केयर्स बाय जय हिंद यू अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ते ज़्यादा टेंशन ना लीजिए अगर आप टेंशन ज़्यादा लेते हो तो टेंशन में पढ़ाई नहीं कर पाते आप डिप्रेशन में जा सकते हैं इस वजह से अच्छी तरीके से माइंड को एकाग्र करके खुश होकर पढ़ाई क्या करें कहते जब भी आप खुश होकर पढ़ाई करते हो तो उन चीज़ों का वर्धन होता है आपके माइंड में ठीक है एक साइकोलॉजी है कि जिन चीज़ों को आप खुश करके खुश करके देखते हैं या प्रसन्न होकर अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ें आपके अंदर वर्धित होती हैं इंक्रीज होती हैं ठीक है तो इसलिए कभी भी आप डिप्रेस में डिप्रेशन में मत जाइएगा अच्छी तरीके से आप पढ़ें मन लगा के पढ़ें और खुश होकर पढ़ाई करें टेंशन डिप्रेशन इससे आप नया ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते ठीक है जो चीज़ें पढ़ाई की है उसमें भी आप अपने कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को खो देते हैं इसलिए आप अच्छी तरीके से खुश होकर के मन को एकाग्र करके पढ़ाई किया करें ठीक हाँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जिन लोगों ने आज अर्जी लगाई है उन लोगों का पर्चा कल खोला जाएगा ठीक है आपकी अर्जी स्वीकार की जाती है जीएस इंडिया में ओके बाय टेक केयर्स बाय जय हिंद बाय टेक केयर्स बाय सी यू